जियो। मेरे प्रिय साथियों, हम बालचरण यादव एवं साथी एक ऐसी बहादुर जाबाज लाल जौनपुर का जिला जीत यादव, जो आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, हम अपनी पूरी पार्टी के तरफ से उस वीर शहीद जवान को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। बाबा किनाराम स्टूडियो के सौजन्य से आशा ही नहीं, ये अजय यादव के देख रेख में ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको जरूर पसंद आएगा। चार लाइन भूमिका है, कैसे मास्टर? वाह वाह। तो चाहे पत्थर पड़े, चाहे पत्थर पड़े, चाहे वो ला गिरे, मेरे जाबाज सीमा पर अपने खड़े। जब घरों में हम अपने है सोते यहाँ, जौन सरहद की रक्षा में हरदम खड़े। जौनपुर के जिले में है जरी बसा, स्वर्गीय कालता गछोटा सब परिवार है। रेणु संजू जिन्हें यार दो बेटिया, बेटा जिला जीत जिसका की होनहार है। साथियों, उत्तर प्रदेश में जौनपुर जनपद की ये बात है। जौनपुर जनपद में जलालपुर थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है इजरी। इजरी गांव के रहने वाले कांता यादव, कांता यादव की पत्नी का नाम था उर्मिला देवी। दो बेटियां पैदा हुई, ए भैया रेनू और संजू। दो बेटी पैदा होती है, दोनों बेटियों के बाद बड़ी मनौती मल्ले के बाद हो माई मनौती मान देने की, हे गंगा मैया, हे बाबा विश्वनाथ, अगर अब की बार लड़का हुई तो दर्शन करब। भगवान कैसन कृपा की लड़का पैदा भयल। ओ लड़का का नाम रखल गल जिला जीत। वाह, यह तर्ज लगल मास्टर कव्वाली के, कैसे भैया? बहुत अच्छे। लाइन एक मासूका अपने मासूक के लिए कह रही है, क्या कह रही है मास्टर? अरे कैसे कैसे सुकून पाएगा, कैसे सुकून पाएगा दिल मेरा तोड़ कर। कैसे सुकून पाएगा, अरे कैसे सुकून पाएगा दिल मेरा तोड़ कर। ओहो बहुत अच्छे, ओहो जियो। अरे वो भी तड़प रहा है मेरा, अरे वो भी तड़प रहा है मेरा साथ छोड़ कर। लेकिन
लेकिन बड़ी अच्छी लाइन कवि जी यहाँ लिखे हैं गाना में, कैसे भैया? अरे जलता है दीप मेरा, जलता है दीप मेरा, जवानों के खून से। जवानों के खून से अरे जलता है दीप मेरा, जवानों के खून से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे सर पर कफन वतन का, अरे सर पर कफन वतन का, अरे बांधे जुनून से। अरे बांधे जुनून से से शुरुआत हो, कैसे मास्टर? अकेला बेटा जिला जीत जब सयान हुआ, 2014 में वह फौज का जवान हुआ, राष्ट्रीय राइफल्स का जवान वह सिपाही था, वतन का सच्चा देश भक्त जवान राही था। फरवरी 20 में घर अपने जवान आया था, महज 6 दिन ही पत्नी पूनम संग बिताया था। अरे गोद में बेटा महज 6 दिन की उमरिया हो, तभी मुख्यालय से जिसको आई खबरिया हो। अरे देश खतरे में, देश खतरे में है दुश्मन चढ़ा है छाती, देश खतरे में है दुश्मन चढ़ा है छाती, वादा पूनम से करके चल दिया तैनाती पर। माई बड़ी मनौती मल्ली, मनौती के बाद एक लड़का पैदा भेलो, लड़का का नाम जिला जीत यादव पड़ल। जिला जीत के पढ़ाई में मन नहीं लगत बा, माई लगली डांटे फटकारे कहनी करे पढ़वा ना तो कैसे अधिकारी बनवा, कैसे डॉक्टर बनवा, डीएम बनवा, क्लर्क बनवा, चपरासी बनवा, बेटा कोनो नौकरी करे को तो पढ़े के पड़ी। आखिरकार लड़कवा का मन तो कहीं आऊ रहा, कहलन की माई हमार मन देशभक्ति में लगल है, आ हम वह करब, कहनी की पढ़बे तब न बेटा। आखिरकार इंटरमीडिएट पास किया वह जवान, लाइन लगाया है, माई के बहुत मना कैले के बाद भी नहीं मनलन। आखिरकार 2014 में वह जवान फौज में भर्ती हो जाता है, और जब फौज में भर्ती हो गलन, राष्ट्रीय राइफल्स 53 का वह जवान सेना में भर्ती होता है। आज जब भर्ती भइलन है, ट्रेनिंग पूरा कैलन, ड्यूटी पर कई बार अइलन गइलन, धीरे धीरे 2020 का समय नियर आइल है। ए भैया, उनकी शादी भी होती है 2016 में इंदलपुर गांव में, वाराणसी जनपद में पड़ता है। दुल्हन का नाम रहल पूनम, पूनम बड़ी सुघर दुल्हन रहल, ब्याह कह के दुल्हन के घरे ले अइलन, जिंदगी के रात दिन बीते लगल। ए भैया, ड्यूटी से पूनम के जब गर्भ रह गल, ड्यूटी से घरे अइलन, यही फरवरी 2020 का बात हो, आज जब अइलन है तो तर्ज बदल गिल मास्टर, कैसे भैया? ओ, बड़ी खूबसूरत लाइन है। कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत बा, का कहलस? अरे कह तू ते धनी, अरे वढ़नी हो जाती, अरे कह तू ते धनी, ओढ़नी हो जा
कह तू ते धनी ओढ़नी हो जाती ताही ओढ़नी तो पतू समान न हो जान अच्छा इत तर्ज रहल इ विनोद में तीन लड़कन लायक रहल है गीत लेकिन यह भाव है विराह में कैसे जब दुल्हन गर्भवती हो गई पूनम तो जवान छुट्टी लेकर के घर में आते हैं आज जब घरे इलन है तो का भेल मास्टर अरे पूनम से जवान बोला अरे पूनम से जवान बोला अरे जाई के पाजरावा पूनम से जवान बोला आ जाई के पाजरावा पूनम से जवान बोला अजाई के बजरावा सारा हद सहाबा तूफान नए जान आए है ए भैया दुल्हन पूनम के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ अच्छा दिन बीतल महज छह दिन बीतल कि इनका छुट्टी खत्म हो गई जाए लगला कल की वर्दी पहनने लगा जवान बेल्ट कसा लगला बूट पहने लगलन दुल्हन कहनी कह रहे कहाँ जात हुआ भाई छह दिन तब भयल कहने की ड्यूटी टू ड्यूटी मुझे ड्यूटी करना है और टाइमली ड्यूटी करना है छुट्टी नहीं लेना है तो जवान चलल है कैसे मास्टर अरे केसर का कियारी लूटा अरे केसर का कियारी लूटल अरे चाहे सब पजिया केसर का कियारी लूटल अच्छा है सब पजिया अरे केसर का कियारी लूटल अच्छा है सब पजिया देख के जल्दी आई बे मकान नए जान बाबा बहुत अच्छे जाए लगलन जब जाए लगलन तो दुल्हन कहनी कि ये सैया जा मत लेकिन ना ही मलना वर्दी पहन के चल दलन आज जब जाए लगलन तो दुल्हन कहनी कि एक मिनट रुक जा सैया ना मन बा तो जात हुआ तो जा लेकिन जब वापस लवट के यहाँ तो हमारा लिए महज चिटकी भर सिंदूर लेके आया स्वामी आंख में आंसू आ गल बेटा के गोद में ले लेकिन यह मास्टर चल दलन आज जब चल दलन तो दुल्हन कहनी कि देखा ये बचवा टुकुर टुकुर मुहवे निहारत है कहते पापा ड्यूटी पर जात हुआ तो हमारा बदे एक कपड़ा लिए हैं बढ़िया सा कल सब कुछ लिए आई लेकिन हमके जायदा टेरी का भाव लगल मास्टर अरे ललकारा जब सरहद का प्रहरी अरे मोर राम अरे ललकारा जब सरहद का प्रहरी जंग में जली शमाम आसमां से ज्वाला उतरी अरे हाँ उतरी अरे हाँ उतरी अरे कस के कमर वह जिला जीत कस के कमर वह जिला जीत जम्बू के अंदर आया है मुख्यालय से पुलवामा में तैनाती को पाया है रक्षा बंधन के दिन बहना राखी जो भेजवाई थी
जिसको बाद कलाई में बहनों को धैर्य बधाई थी। अपने मुख्यालय पहुंचता है और वहां से सीधे जवान को आदेश मिला कि ऐ जवान तुम्हें पुलवामा में जाना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ड्यूटी लग गई। पुलवामा में ड्यूटी कब से लगा रहा? 1.5 साल पहले से। लेकिन ए भैया धीरे धीरे समय बीतल। आज जब समय बीतल है तो हर भैल का मास्टर रक्षाबंधन का त्योहार भारत में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। नजदीक त्योहार आयल है तो हर बहन अपने भाई के लिए राखी भेजती है। सीमा पर कैसे भेजली ना मास्टर, टर्ज बदल गई। ओ हो 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 हो, अरे बारे देवराज भैया बड़ा मिजाज वाली गीत बजा देना। कोनो कोरस वाले का दुलहिन। हाँ हो नगेंद्र भाई, लल्लू गुरु भी मुस्कियात हो। कौनो कोरस वाले का दुलहिन कहला से अपने देवर से जाए के कि सैया तो गई गावे। आज हमारा देह में बड़ा दर्द बा, कैसे कहला से मास्टर। अरे टूटा दा दहिया बथा दा कलाई, ले आवा देवरु दर्द के दवाई, ले आवा देवरु दर्द के दवाई, ले आवा देवरु दर्द के दवाई। अरे सूत गइल सैया से रतिया चिपाकी के, अरे सूत गइल सैया से रतिया चिपाकी के, अरे ककरी भइल बा कमरिया लपाके। लेकिन बहनिया राखी भेजलिन, भैया अपने कलाई में बदलन। अब बदला हाँ तक कहल कि घरे आई तो तोह लोग के राखी के बधाई दे। लेकिन एक बात कहत हुआ, का कहलन वैसे से, अरे धीर धरा बहिन घरवा जा, अरे राखी का कीमत सब कर चुकई बे, राखी का कीमत सब कर चुकई बे, राखी का कीमत सब कर चुकई बे। अरे जवन कर मन सब तोहरा चुका के, अरे जवन कर मन सब तोहरा चुका के, अरे करबे इच्छा पूरा अपनो पुजाय के। ए भैया वही जैसे बहनियन से वादा करत हुवन कि ठीक है, अरे बहन आऊंगा तो राखी का बधाई दे, और जोन बचवा पैदा भैला नेग नेवछावर दे ना पौले है। ड्यूटी पर चली अली आई आई तो बढ़िया से तोहन लोग के कोनो नीमन सामान दे। ए भैया लेकिन ई तब बहन लोग से बात कैलन, समय बीतत गेल और अपने ड्यूटी पर तैनात हुवन भैया हो। लेकिन शाम के वक्त है, एक दिन की बात है, शाम के वक्त जो है 12 अगस्त को अपने पत्नी से वीडियो कॉल से बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग से। दुल्हन से बात भइल, अपने बचवा का मुंह देखलन और कहलन कि अच्छा लड़का ठीक है, लेकिन आई तो बहुत सामान लेके लड़का के आई। और कहलन कि हमार छुट्टी भी मंजूर हो गई, जल्दी आई, तू चिंता मत करा। खाई पी के सुतलन है, वह दुल्हन भी अपन सुतलिन घरे। लेकिन जब सवेरा भैल हो रही के समय में आतंकवादी हमला कर देते हैं। कामराजीपुर में एक बगीचा है, उसी बगीचा के अंदर आतंकवादी छिप जाते हैं और इधर पता चल जाता है, तुरंत जो है अपनी जवानों को लेकर के चल देता है, अपने यूनिट के जवानों को लेकर के चल दिया वह जौनपुर का लाल। और जब चल देते हैं जवानों को लेकर के, बगीचों को घेर लेते हैं। आज जब घेर लेलन,
इतने में दोनों तरफ से गोली चल लगल। एक गोली आतंकवादी के आए के लगल है, आए है जिला जीत यादव के सीने में लगल, और वही जय आह कह के गिर पड़लन। आ जब गिरला है तो भाव कवि जी लिखलन कैसे मास्टर, अरे हमारी बहनी हो, हमारी बहनी हो, अरे या बही राखी, अब बही राखी हाथ में बानल बास, हमारी बहनी हो। साथियों रक्षा सूत्र उनके हाथ में बधा हुआ था, मैं भी राग आ रहा हूँ। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था, आज भी मेरे कलाई में रक्षा सूत्र बधा हुआ है। जवान छोड़ले नहीं कलाई में पहनले रहलन, और उसी समय गोली लगल है, बहन का याद आ गई। अब कहना करे बहनिया कैसे करना मास्टर कैसे, अरे सारा वादा झूठा कई के, अरे कैनी हम गद्दारी, अरे सोच नहीं रहने, अरे धूम धाम से भेजब तो है ससुरारी कि हमारी बहनी हो, हमारी बहनी हो। अरे आज आज से भैया के दिहा भूलावा, हमारी बहनी हूँ। अरे पगली तोहन लोग के शादी में भी हम बढ़िया सा सामान ना दे पौली, कुछ कमी रह गई। सोचली कि जब एदा पारी आई तो नेक भी दे और तोहन लोग के विदाई भी बढ़िया ढंग से करब, लेकिन बहुत लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा। मुझे गोली लग गई है और यही जवान रो करके कह रहा है, लेकिन इतने में भैल का मास्टर तर्ज हो कैसे भैया, तर्ज है ए भैया। ई खबर लगल घरे, आ घरे जब खबर लगल फोन के द्वारा, ओ समय दुल्हन का करत रही पूनम, पूनम झाड़ू लेके अंगना झाड़त रही, आ वही समय भय लगा मास्टर कैसे, अरे पूनम खबर के पवली, अरे पूनम खबर के पवली अंगना बहोरत रहली, स्वामी हो, हमारे स्वामी हो, कहे गई नबी दावा बना, आए है फोन से खबर आई सीमा से, जान गोली खा करके गिरा है, कुछ देरी तक जिंदा रहा, प्राण पखेरु उड़ गए, अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। फोन से सवेरे सवेरे का समय हो, दुल्हन झाड़ू लगावत रही तबले खबरिया आ गई, दुल्हन पूनम बोलत हो, हाँ
मैं पूनम बोल रही हूँ। क्या बात है, इतना सवेरे आप फोन किए हैं, कौन आप हैं? अरे मैं सरहद से पुलवामा से बोल रहा हूँ। और क्या बात है, पुलवामा से बोल रहे हैं, मेरे पति कहाँ हैं? उस समय कलन की बड़े अफसोस की बात है कि आपके पति को गोली लग गई, आतंकवादियों द्वारा वो मारे गए, शहीद हो गए देश के लिए। झाड़ू एक तरफ फेंकाए गए, आए हो स्वामी, आए हो स्वामी, अरे विधवा बना देहला हो स्वामी, कहीं के रोवत हैं लेकिन कहत हैं कैसे मास्टर। अरे पूछी है जीवान से, अरे पूछी है जीवान से कहवा अब बाबू हमारा हो, अरे कवन जवाब देब हम सवार हो, की आवाज सुनकर के परिवार के लोग, खानदान के लोग, गांव घर के लोग इकट्ठा हो गए। जैसे जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई। खबर मिलती है आसपास के लोग उस दरवाजे पे इकट्ठा होने लगे। आए हाय माई रोवत है, लेकिन एक बात कहना है, कैसे भैया यहाँ तर्ज बदलन मास्टर, कैसे? बाबा भैया तनी सा और मास्टर लगा दिया तो भैया। इधर घर शोक छाया हुआ है, अब हर का भेल सेना के जवान लाश को ताबूत में बंद कर देते हैं, उसके बाद बंद करने के बाद लेकर के चल देते हैं, कैसे मास्टर? अरे झंडा वा तिरंगा, झंडा वा तिरंगा के, अरे वढ़ा के जवानावा भी मनावा से, हो भी मनावा से ना आयल बाबतपुर में दनावा भी मनावा से। ताबूत में बंद करके लाश को बाबतपुर एयरपोर्ट लाया गया, और जब एयरपोर्ट लाया गया उसी समय होता है क्या, कैसे भैया? अरे बाबतपुर से लाशा जा बाप, अरे आईनी भावना बाप बीमनावा से, अरे रोवे गाँव खाना दनावा बीमनावा से। बुधवार शाम को वहां से लेकर के एयरपोर्ट बाबतपुर लाया गया, लेकिन वहां से जब चलाए हैं ए भैया लाश को लोग लेकर के चले हैं उनके गांव, इजरी गांव के लिए, उस समय का भाव है कैसे मास्टर? अरे माई उर्मिला जी देख के अल्लाह का सूरतिया, अरे बिगड़ल बुढ़ाई मारा रोवे पीटा छातिया,
तारे मुहावा निहारेला जीवन सतबलाला नावा बिमनावा से हो बिमनावा रोवे लसिया बरमाया नावा बिमनावा से ना पत्नी रो रही है और बाबू तो 1.5 साल पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। माँ उर्मिला का तो वो हालत है बाबू, रोवत रोवत बेहोश हो जाते हैं। और वह हाल पत्नी पूनम कभी बा हो, पानी का छिटका मुंह पे दिया है, होश में आवे ए भैया। लेकिन इधर जो है होता है क्या, सभी लोग आसपास के लोग क्षेत्र के लोग जनप्रतिनिधि लोग इंतजार कर रहे हैं आखिरकार यहाँ तर्ज बदलन मास्टर कैसे। ए भैया जो ही लाश पहुंची है इजरी गांव, उस समय का भाव है सेना के जवान लेकर के जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो होता है क्या कैसे। अरे कर के वादा सारा हम से सजनावा तू अजूब भुलाई गईला हो, अरे के कर घरवा में जो हब हजारों मोटरसाइकिलों का काफिला है, जवान लड़के आगे आगे तिरंगा झंडा लेकर के चल रहे हैं और उसी समय नारा लगा रहे हैं, कहते हैं कि जिला जीत अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा जिला जीत का नाम रहेगा। अंतरा में कैसे मास्टर, वाह क्या बात है। अरे जिला जीत अमर रहो लगत रहल नरावा, क्रोध में तिरंगा लहरावे वही पहरावा, अरे अब से संभल जा रे पाजी पाकिस्तानवा बेईमानवा कसाई भैला हो, ए भैया वहर दुलही और मतारी का रोवत रोवत हालत खराब हो, आई हर दरवाजे पर लड़के सब नारा लगा रहे हैं, लेकिन एक बात और कह रहे हैं लड़के सब गरज करके क्या कहते हैं। अरे जिला जीत तू अमर रहो, जिला जीत तू अमर रहो, बलिदान व्यर्थ ना जाएगा, हस्ती क्या है गीदड़ की बलिदान व्यर्थ ना जाएगा। अब्दुल हमीद को भूल गया जो उसके गर्व को चूर किया, लाश पर लाश बिछा दूंगा हर जवानों ने संदेश दिया, पाकिस्तान से सीधे आर पार की लड़ाई की मांग करते हैं कि सरकार आदेश दे हमारे फौजी जवानों को। लेकिन एक बात है, कवि जी भाव लिखे हैं कैसे मास्टर। आया है दरवाजे पर लाश आए के उतारल गई बा, कैसन वहां का माहौल लगत रहल कवि जी लिख ले हुआ कैसे।
अरे लेके गोदी में अपन लाला नवाब भारत माता हो। अच्छी पायल हली अचरा में सुगनवा भारत माता हो। हमारे कई साथियों ने हमसे इस बिरहा को गाने के लिए प्रेरित किया कि बालचरण जी मेरे भाई आप फौजी जवानों का बिरहा गाते हैं, इस बिरहा को भी श्रद्धांजलि के रूप में गाइए। युवा शक्ति संघ के अध्यक्ष सुनील यादव और हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष वाराणसी लक्कड़ यादव पहलवान, रतनपुर गोबरा से नीरज पहलवान, संतोष पहलवान, राम जी यादव होटल वाले नारायणपुर से, सिकिया से प्रधान जी उमेश प्रधान रेमला से, हमारे संधि भैया लाल यादव जो कि आर्मी में रहते हैं, और युवा शक्ति सेवा ट्रस्ट के राकेश रोशन, पिंटू रसराज, हमारे तमाम साथियों ने श्रद्धा सुमन समर्पित किया उस जवान के शोक में। एक बात कहना है, कैसे मास्टर? अरे हमारे कारण तो है बेटा, हमारे कारण तो है बेटा, शहीद भैया जाओ दूधी का कर जा चुकाया करके रख दिया तू ला जाओ। अरे पूरा कैला जननी का सपनावा भारत माता। अरे बेरथना जाई तुहारई बलिदानवा भारत माता। कवि जी के लिखे के पढ़ल लाश दरवाजे पर रखल है, ऐसा लगत है कि भारत माँ अपने सपूत बेटा के अपने हाथ से अचरा उड़ावत है। यहर दरवाजे पर तमाम लोगों का हुजूम जुटा हुआ है। ए भैया भाव कवि जी आल हम लिखे, कैसे मास्टर? अरे रहली दुआरे जब सही दवा कलसिया भैया। करके उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री उपेंद्र जी उपेंद्र तिवारी पहुंचते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और 50 लाख रुपए का चेक उस जवान के घर भेजवाते हैं। और क्या करते हैं मास्टर? अरे सड़क और नौकरी कर आश्वासन दे भैया। पचास लाख रुपए का चेक तो मिला ही उस परिवार में एक सरकारी नौकरी और उस शहीद जवान के नाम पर एक सड़क का ऐलान करवाते हैं। खबर पा करके विद्यासागर, केपी यादव, तूफानी सरोज, पुष्पराज सिंह,
सुरेंद्र लाल बहादुर पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सभी लोग पहुंचते हैं और उसके बाद लाश को लेकर के लोग चल देते हैं गोमती नदी के किनारे राम घाट आश्मशान घाट पर। वहां चिता सजा दिया गया, लाश को रख दिया गया है और उसी समय सेना के जवान आज सलामी देते हैं। उसके बाद होता है क्या मास्टर, कहना है कैसे भैया खड़ी में जब तक धरती ऊपर हिंदुस्तान नहीं रही तब तक भारत के सपूतन का बलिदान नहीं रही। चिता सजा दी गई है और पांच चक्कर घूमने के बाद चिता को अग्नि देते हैं। कौन देते हैं? अरे लसिया पहुंच गई जब की मसाना हो, अरे चाचाई का बाल जेके कैला अग्निदान हो। राम इकबाल यादव जो कि चाचा हैं, बाबूजी तो 1.5 साल पहले ही मर गए थे। ए भैया चिता में अग्नि देते हैं तो कवि जी का लिखना है, क्या कहना है? अरे जली ज्योति है अमर कीर्ति की गाई सब ही तब तक भारत का सपूतन का बलिदान नहीं रही। तो मेरे गाने का आखिरी भाव खानदान का परिचय है, कैसे मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश जी धन्य वतन के राही, रामलाल बच्चन के चंद्रिका सच्चे बने सिपाही। अरे ललकारा जब सरहद का प्रहरी, ललकारा जब सरहद का प्रहरी, बाल चरण कवि नाराज कर देंगे वारा न्यारा। ललकारा जब सरहद का प्रहरी।